तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी हूँ बेंगलोर में और ये है मेरी फर्स्ट साउथ इंडिया राइड। तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, अराउंड 70 किलोमीटर्स की है। तो हम जा रहे हैं एक जगह पे, मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है, रूममेट ब्रजेश। ये है मेरी बाइक, ये है ब्रजेश और हम अभी बढ़ रहे हैं वाइट फील्ड की तरफ और वहाँ से हम निकलेंगे। तो आपको डेस्टिनेशन बताते हैं आगे और आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉग। तो हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे सुबह सुबह ही ट्रैफिक तो है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इतना सुबह मिलेगा, लेकिन दिस इज़ बेंगलोर तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, आप कभी भी निकलो। और हम 6:30 बजे निकले हैं और अभी 7 बजने वाले हैं और आप देखो रोड पे मतलब दिख रहा है व्हीकल, ऑटो, ट्रक, तो बस यही सब है। बाकी जो हम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको वो क्या है। एक्चुअली उसका नाम मैंने भी देखा था तो मैं भी सरप्राइज था, बताता हूँ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा बेंगलोर के बारे में। ये है कर्नाटका स्टेट में और मैं बेंगलोर क्यों आया, सेल्स वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया है तो अब यहीं से ऑफिस भी ज्वाइन करना है तो मैं आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इधर से ही राइड भी स्टार्ट करी जाए। तो मैं सर्च कर रहा था कि कहाँ पे जाएं तो मुझे ये जगह मिली। वेल इसका नाम है छोटा लद्दाख व्यू पॉइंट। आई नो इट्स लिटिल फनी बट देखने में सही लग रहा था तो मैंने सोचा यहीं पे चलते हैं। तो चल के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे कि कैसा है कैसा नहीं है। खैर बेंगलोर में आपको बहुत वेदर बहुत अच्छा होता है बेंगलोर में, नो डाउट। हल्की बारिश हो रही है तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। डेस्टिनेशन अभी भी वो डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है तो हम लोग लगभग 20 किलोमीटर आ चुके हैं, 20 किलोमीटर से ज़्यादा एक्चुअली, अराउंड 30 किलोमीटर। भगवान जी निकल चुके हैं ये देखिए आप, और सामने देखिए एकदम मस्त क्लाउडी वेदर है। आई होप सो लोकेशन अच्छा हो। खतरनाक देखो, ये सामने का व्यू आप देखो, वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे चारों तरफ, मौसम भी बहुत ही अच्छा है। डेस्टिनेशन से हम अभी 10 किलोमीटर दूर हैं तो अगले कुछ मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। अभी बीच में रुके हैं और मुझे ये अच्छा लोकेशन दिखा तो मैंने गाड़ी रोक ली। ये देखो आप, ये जो लेक है वो नारा सुपुर लेक है और यहाँ पे आपको छोटे माउंटेन रेंज भी मिलेंगे। एक्चुअली वेस्टर्न घाट है, छोटा होता है। और ये देखो आप, व्यू बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा रोड,
तो अभी हम इस व्यू पे रुके हैं, केंदती लेक व्यू। हमारी डेस्टिनेशन के पास ही था तो हम यहाँ पे भी आ गए। अच्छा नज़ारा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, जस्ट 1.5 किलोमीटर से वो, और यहाँ पे रोड बना हुआ नहीं है आप कह सकते हो, थोड़ा मिट्टी वाला रोड है। देखो आप यहाँ पे, थोड़ा सा आप इसको ऑफ रोडिंग बोल सकते हो। सही है, लेकिन आसपास का व्यू बहुत अच्छा है। आप देखो पूरी हरियाली, सिटी में तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा, बेंगलोर सिटी में आपको सिर्फ ट्रैफिक मिलेगा, गाड़ियाँ, रोड, बिल्डिंग्स। थोड़ा सा आप आगे आओगे, सिटी से बाहर निकलोगे तो आपको हरियाली मिलेगी अच्छी खासी। आप देख ही सकते हो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, 60-70 किलोमीटर के रेंज में है ये लोकेशन, विच इज़ वेरी गुड फॉर वीकेंड्स। आप आ सकते हो, आप चिल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अकेले भी आ सकते हो। अगर आप घूमने वाले पर्सन हो तो ऑब्वियसली, अगर आप वीकेंड्स पे सोना पसंद करते हो तो फिर यू कैन कंटिन्यू। पॉइंट आ गया क्या? थैंक्स। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लद्दाख व्यू पॉइंट इसका नाम है, एक्चुअली छोटा लद्दाख व्यू पॉइंट, और बहुत ही अच्छा, मतलब आप आके चिल कर सकते हो, लोग बहुत कम है, मतलब है ही नहीं। आप देखो व्यू पॉइंट कितना अच्छा है, लेक है, चारों ओर छोटी पहाड़ियां हैं और मस्त भीड़ भी कम नहीं है। अगर आपको आना हो एकदम चिल कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी शांति पसंद है तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है। और हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुकेंगे अपना, उसके बाद फिर जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं अपने रूममेट के साथ आया हूँ, रूममेट और मेरा कॉलेज फ्रेंड भी है ब्रजेश। कैसा लग रहा ब्रजेश? एकदम बहुत अच्छी जगह है, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। मतलब आप, मैं कह सकता हूँ ना, आप ऐसे व्यू पे आओगे ना, और अगर आपको शांति पसंद है ना, तो इट इज बेस्ट प्लेस नियर बाय इन बैंगलोर। यहाँ पे आए थे और हमने यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर, 1 घंटे ऑलमोस्ट, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये है यहाँ का व्यू। अब भीड़ भी बढ़ रही है तो अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे।